हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। तो कल रात को हम लेट आए थे वृंदावन से, तो आज अब सुबह उठे हैं। आज सबको पता है नवरात्रि शुरुआत, सबको शुभ नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। तो बस मैं नहाने जा रही हूँ अभी, क्योंकि पूजा भी करनी है नवरात्रि की। तो मैं नहा के मिलती हूँ आपसे, फिर पूजा की तैयारी दिखाऊंगी कि कैसी क्या पूजा की तैयारी हो रखी है घर पे। ठीक है, तो मिलती हूँ आपको 10 मिनट्स में। बाय बाय गाइज। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल। मैंने आज लिया है ये सलवार वाला लुक, थोड़ा अलग, क्योंकि कपड़े फिट नहीं हो रहे आजकल मुझे। तो यही लुक है आज का मेरा, फर्स्ट नवरात्रि का। तो पूजा की तैयारी हो चुकी है, चलते हैं पूजा करने। ठीक है, मिलते हैं। तो भी सारी तैयारी हो चुकी है यहाँ पे पूजा की, बस पूजा ही बाकी है। ये हमारा मंदिर है, आप सबको पता ही है। ठीक है भाई, पूजा कर लगी, पूजा चल रही है भाई। देखियो भाई, पूरा ध्यान लगा रही है। माता रानी पे प्रकट करवाओ या ना माने कति नहीं माने हैं। जयकारा श्री रवानी का जय, जय सच्चे दरबार की जय। हैप्पी नवरात्रि सबको, मैं उठाओ। चलो भाई, जोत बत्ती कर लिए, अब एक काम कर ले। ठीक है, खाना वाना आज, अब तो नवरात्र में प्याज लहसुन भी ना खाने। ऊँट तो बहुत खावा है जो कर प्याज लहसुन इधर सब्जी में पड़ा नहीं है। तो आज मैंने फास्ट रखा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा नवरात्रि में मतलब पूरे नहीं रखती, तो दो जरूर जोड़ा जरूर रखती हूँ, लेकिन आज नहीं रखा है मैंने फास्ट इस बार। और आज मैंने बनाया है दाल चावल, जो मैं खा चुकी हूँ। अब मैं खा रही हूँ मीठे से, बुरा शक्कर। क्या कर लग रही है? हिसाब आपने तो करना नहीं। की हिसाब करना जब घूमने का के खर्च का है हम पैसे। कोई बात ना, जब की है सब कुछ सड़े ना रह जाएगा। रह तो जाएगा, वो तो खर्च दिए वापस थोड़ी मिल लेंगे। एंजॉय करो लाइफ को, देखा है ना कि भाई कहां कहां खर्चे। चलो सही करा भाई, ये काम भी जरूरी है। चलो कर ले। कर लिया इसको। चाय बना ले पहले तू, बाद में करिए हिसाब के साथ। बनाऊंगी आप फिर तो पिला दो चाय। जल्दी कर, ड्रामे मत कर। घूमती आ रही हूं, तेरे कुछ ना होता है। जा जल्दी जा। पैकिंग वाला आ गया है, कहां जाओ? हां लंदन उत्तराखंड ले जाए खेता में। देख बैग पैक कर रही हूं मैं, बना दिया। मम्मी जाए, राजी हो रही है? राजी हो जाऊं, देखता हूं मैं भी। हां चलो नैनीताल चल लेंगे। चलो नैनीताल खेत हमारे, तुम वहां घूम का मैं भी जाएंगी फिर आपको दे। यू कहे तुम घूमे, मैं घूम का हूं। मैं बिल्कुल ठीक है, जाओ बोले कितना पैर ठीक हो जाएंगे। हां मम्मी ने घुमा के लाऊंगी फिर, है ना? ले लेकर चलियो, हम निमट जाएंगे। ये भी खेत चलेंगे, अगले महीने चलेंगे। अगले महीने, अगले महीने जाओगे? चिड़ियाघर दिखा ले उधर तक। अगली चिड़िया गेट भी, चिड़ियाघर अक्षरधाम मंदिर भी। वो पल्स नमक वाली महाराज जी भी तो वही दिया करे, वही दे है। जाओ लिया हो पापा टॉफी। तो गाइज सब ये पूछ रहे थे कि दी आपका ग्लो इतना कैसे आया हुआ है प्रेगनेंसी में, क्योंकि सबको डर रहता है, हर एक लेडीज को कभी ब्लेमिशेस हो जाए आयरन कैल्शियम की इनसफिशेंसी की वजह से आपका फेस खराब हो जाए प्रेगनेंसी में, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है। तो ये है क्योर स्किन का कमाल, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि मैं क्योर स्किन ऐप यूज़ कर रही हूँ अपने फेस के लिए, खासकर इस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे, कि मैं अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही थी। तो
उसका रूटीन ये है कि आप पहले यूज करते हैं फेस वॉश जो फोम बेस्ड है, बिल्कुल इतना अच्छा है, इतना स्मूथ करता है फेस को कि और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद सनस्क्रीन, सनस्क्रीन है जो है बिल्कुल इतनी सॉफ्ट होती है, देखो इसको लगाते ही ऐसे क्रीमी क्रीमी सा फॉर्मूला। और जैसे आप धूप में जाते हो तो उससे 15-20 मिनट पहले लगा लो, इनफ है। और आपको ये भी पता है कि फ़ोन की लाइट और ये ट्यूब लाइट्स होती है जो घर में, इससे भी आपको टैनिंग होती है, तो आप घर में भी लगाओगे इसे तो ये उसमें भी बेनिफिशियल है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो आपके फेस को हाइड्रेटेड रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी भी स्किन हो, हर स्किन के हिसाब से उसका मॉइस्चराइजर क्रीम होता ही होता है। तो ये है क्योर स्किन का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। और ये है स्पेशल सीरम, रिन्यूअल सीरम, ये आपको मॉइस्चराइजिंग से पहले लगाना होता है, तो आप इसको 2 बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे रात को और सुबह, ये आपको ज़रूर यूज़ करना है। इससे आपको फेस एकदम ऐसा हो जाएगा ग्लोई ग्लोई, क्योंकि मेरे को भी टेंशन थी कभी मुझे भी ब्लेमिशेस हो जाए प्रेगनेंसी में, तो ये सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ रेगुलर। कम आपको आपकी स्किन को हील होने के लिए कम से कम 2 महीने लगते हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, तो कंटिन्यू मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं मेरा फेस साफ है बिल्कुल, कोई भी डार्क स्पॉट्स और अब ये नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये क्योर स्किन ऐप डर्माटोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर बेस्ड ऐप है जैसे कि आपको पता है, और ये प्रोडक्ट्स आपको सिर्फ 1500 में आपके घर तक पहुंच जाएंगे। उसमें डॉक्टर का कंसल्टेंट फीस, डिलीवरी चार्जेस सब कुछ इंक्लूडेड, आपको इस किट में कुछ और नहीं देना है। और इसको बॉयज़ गर्ल्स किसी भी एज के यूज़ कर सकते, किसी की भी स्किन के हिसाब से आप अपने किट बनवा सकते हैं। कैसे यूज़ करनी है ये ऐप की आपको ऑप्शन मिलेगा, ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा लैंग्वेज का, हिंदी में या इंग्लिश में। उसके बाद आता है ऑप्शन हेयर के लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए या स्किन के लिए, तो वो चीज़ होती है। और उसके बाद आपसे आपकी स्किन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ भी छुपाना नहीं होता हमें डॉक्टर से, जो भी आप चीज़ यूज़ करते हो वो पूछते कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो। तो अगर प्रेग्नेंट है तो भी बताइए कि, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट सुटेबल होंगे आपके लिए तो ही वो प्रिस्क्राइब करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और देन उसके बाद आपके साइड पोज, फ्रंट एंड मतलब दोनों के फ़ोटो लिए जाते हैं आपकी स्किन को टेस्ट करने के लिए। उसके बाद आपको आपके प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब होते हैं। 20 डेज में आपके फॉलो अप चेकअप्स होते हैं जो डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर जाते हैं आप डॉक्टर के पास तो आपकी फ़ीस लगती है, अगर आप ऑनलाइन ऐप यूज़ करें तो आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और मेनली सब डरते हैं कभी इन प्रोडक्ट्स से कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल केमिकल फ्री। ये आपकी स्किन को देखते हुए ही रेडी किए जाते हैं प्रोडक्ट्स कि आपकी स्किन के साथ सुटेबल है, यानी आपकी स्किन कैसी है वो आपसे पूछेंगे तभी आपको प्रोडक्ट्स देंगे। और प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं, और प्लीज़ यूज़ करें क्योर स्किन और अपनी स्किन को अच्छा बनाएं जैसे मैं कर रही हूँ अभी। लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी, आप वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट्स किट मंगा सकते हैं जो कि पूरी तरह बेनिफिशियल है, आपको रिग्रेट नहीं होगा ये ऐप यूज़ करने पर। और बजट फ्रेंडली ऐप है, प्रोडक्ट्स है, तो प्लीज़ यूज़ कीजिए। थैंक यू। और किन गए बालक बालक ना देखते तुम्हारा चिड़िया घर शांत हो रहा है, मम्मी पापा गए खेत में, मनु ने ले गए साथ में, और ऋषभ गया पूनम जी के घर, नीचे है जिया अपने मामा के, 2 बच्चे है बस घर पे। बिचारी रोल लग रही होगी, वहाँ खेली रहेगी ना। चाय पी लो, राइस। चलो मैं तो पीता हूँ, आप बना लो अपनी। गाइस कैसे पुएंगे पुएंगे पिएंगे पुएंगे आपकी ज्यादा हो गई थोड़ी, कोई ना मेरी तो वैसे भी ज्यादा ही हो जाए, मक्के भर भर के ना पीते, खाली है। चलो चलो भाई चाय वाय पी लेते हैं। आशीष चाय के साथ क्या खाओ आप? ये हल्का सा प्रसाद सा लिया है। हल्का सा प्रसाद सा, ये देखो आधा डब्बा तक खा गया भाई पेड़ा का। तो खा लिया, वो मेहनत करनी चाहिए वैसे, कुछ ना होता। फोन आ गया उस तो कुछ ना होता कि भाई खाई भाई था, मेहनत करो बस कर ली। क्या मेहनत करो आप सोने की? क्यों सुबह गया था रनिंग पे, वीडियो तो ना बनाई आज आपने, तो डेली वीडियो फिर बोर हो जाएंगे दुनिया देखती। देखो
व्लॉग में कई दिन तक हम दोनों ही दिखेंगे क्योंकि घर के सारे मेंबर भाग लिए इधर उधर, मम्मी पापा भी गए, बच्चे भी गए, तो भाई यूँ मत कहियो कि आप अकेले रहते हो और किसी को नहीं दिखाते। कहीं जाऊंगी तो दिखाऊंगी, कहीं कहाँ जाऊंगे हम, ठीक है। अकेली रह गई, सब चले गए, कौन गए? सब नव्या को छोड़ के चले गए। ऋषभ कहाँ गया? बुआ के घर। और मन्नु? मन्नु उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये तो तेरे नाम क्यों बन रहे, तेरे बाल देख के से हो रहे। और वो ऐसे कभी नहीं पाड़ दे, ऐसे करके ऐसे पाड़ दे, पाड़ते ऐसे कभी नहीं पाड़ते। आपकी इंग्लिश इंग्लिश हो रही है, हिंदी इंग्लिश मिक्स। अब ये नहीं खाना ना, देख लो भाई आशीष की इंग्लिश। बिस्किट बिस्किट खाना है, हरियाणवी बोलन वाले जो खा ले वो बाद में खा लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलो बिल्कुल भी, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।